अब तुम लोगों को पता तो है कि लाइटिंग सेटअप मुझे कितना पसंद है, और लाइटिंग जो आरजीबी वाली है ना, वो कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लगते हैं। तो आज इस सेटअप से हम चेंज होने वाले हैं। दोस्तों यहां पर मैंने बाय करी है गोहाई की तरफ से आने वाली एक स्मार्ट स्ट्रिप लाइट, और यहां पर आज बात करने वाले इसकी और करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह भी, डिटेल वगैरह बताऊंगा, इसको ओवरव्यू दूंगा आपको, और क्या क्या फीचर्स के साथ आती है इन सभी चीजों की बात करेंगे, और पूरा इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा कि वाईफाई के साथ भी कैसे कर सकते हो और विदाउट वाईफाई भी कैसे आप इसको अपने फोन से पेयर कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। तो दोस्तों बॉक्स कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको गो हाई की जो ब्रांडिंग है वो लिखी हुई है। अब यहाँ पर काफी चीजें लिखी हुई है, जैसे कि वाईफाई इनेबल्ड, होम ऐप और म्यूजिक मोड भी यहाँ पर आता है। बाकी यहाँ पर आपको गूगल असिस्टेंट और अमेजॉन एलेक्सा का जो फीचर है वो यहाँ से आप यूज कर पाओगे। बाकी और चीजें जो हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। बाकी अब देख लेते हैं बॉक्स कंटेंट के अंदर में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जैसे आप बॉक्स को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको एक वेलकम कार्ड देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको गो है की जो ब्रांडिंग है वो भी देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको थैंक यू कार्ड वगैरह देखने को मिलता है, और कैसे लगाना है इसको, इंस्टॉल वगैरह कैसे करना है, उस चीज़ों की जानकारी दी गई है। इसके साथ यहाँ पर एक कार्ड और मिलता है, जहाँ पर आपको ये पता लग जाएगा कि अगर आपको इंस्टॉल करना है, इसको पेयर करना है, वो कैसे कर सकते हो, स्कैन करना है, आपको वीडियो दिख जाएगी। वैसे ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी। इसके साथ जैसे आप बॉक्स को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको ऐसी पैकेजिंग में आपको जो स्ट्रिप लाइटिंग है वो देखने को मिलेगी, और काफ़ी बढ़िया पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जैसे आप उसको ओपन करोगे तो कुछ ऐसा आपको माल मटेरियल देखने को मिलेगा। इसको मैं साइड में रखता हूँ अभी, और भी दिखाता हूँ कि क्या कॉन्टेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जब आप 10 मीटर वाली वायर लेते हो तो यहाँ पर आपको ERD कंपनी का एक अडेप्टर मिलता है, जो कि इतनी बड़ी ब्रिक है और ये 12 वोल्ट 5 एम्पियर पर रन करता है। तो ये आपकी लाइटिंग को मतलब एक पावर देगा, और दो स्ट्रिप जब आप यूज़ करोगे तो इतनी बड़ी जो ब्रिक है वो आपको चाहिए रहेगी। इसके साथ यहाँ पर आपको केबल मिल जाती है, और केबल और ब्रिक की जो क्वालिटी है, इनके अडेप्टर की जो क्वालिटी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। जब आप 5 मीटर वाली बाय करोगे तो उसके साथ कुछ ऐसा आपको अडेप्टर देखने को मिलेगा, और इन दोनों के साथ आपको एक कनेक्टर भी देखने को मिलेगा जो आपकी लाइट को रन करेगा। RGB कंट्रोलर है बेसिकली, ये और कुछ नहीं है। आपकी जो लाइटिंग है वो आपको मैंने एक बार खोल के भी रख लिया, एक जो 5 मीटर की जो स्ट्रिप है वो मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कि उसकी क्वालिटी कैसी है। अब इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करूँ, अगर आप नॉर्मल स्ट्रिप से कंपेयर करोगे तो उसकी जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, और अगर आप मैं पास से दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो क्वालिटी है। आपने नॉर्मल जो स्ट्रिप देखी होगी 250, 300, 500, 1000 वाली, उसके अंदर होता क्या है, आपके जो बल्ब होते हैं यानी कि LEDs होती है वो स्ट्रिप के अंदर ही होती हैं, जबकि यहाँ पर आपको एक अलग से जो बल्ब है या फिर LED है वो ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस है, इसकी क्वालिटी के अंदर डिफरेंस है। वाटर रेजिस्टेंट भी है ये, तो ये चीज़ भी आपको बताऊँगा, और यहाँ पर पेयर कैसे करना है या फिर मोड्स क्या क्या आते हैं, इसके साथ इंस्टॉलेशन कैसे होती है, ये सारी चीज़ें भी बताऊँगा, और बने रहिए इस वीडियो के अंदर। आगे बात करते हैं इसकी। दोस्तों मैं यहाँ पर पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों को अपनी स्ट्रिप लाइट अपने फ़ोन से पेयर करनी है, और कैसे इसको पेयर करने के साथ साथ सेटअप भी करना है। तो यहाँ पर पहली मतलब पावर ले लिया मैंने, और यहाँ पर जो अडेप्टर है उसकी जो केबल आ रही है उसको अपने कंट्रोलर से पहले ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर लिया। अब सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों की तरफ एरो नज़र आ रहे होंगे। जब तक ये एरो एकदम सामने नहीं होंगे, आपकी जो लाइट है वो मतलब ब्लिंक करना है, फिर स्टार्ट नहीं होगी। अगर आप इसको उल्टा लगा दोगे तो ये जलेगी नहीं, तो ये चीज़ का ख्याल रखना है, ये दोनों एरो आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद करना क्या है, जब आपकी लाइट ब्लिंक करने लग जाएगी तो आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, स्मार्ट लाइफ करके, और ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, मैंने डाउनलोड कर लिया। इसको ओपन करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये आपको पूछेगा साइन अप के लिए या फिर लॉगिन के लिए, तो मैंने लॉगिन कर लिया क्योंकि साइन अप मैंने पहले कर लिया था, इससे पहले का स्टेप है वो। इसके बाद आपको ये वाला जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, ऐड पे जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस को डिस्कवर कर लेगा, ऐड करना है, और यहाँ पर आपका जो वाईफाई है, जो राउटर मतलब आपके घर में लगा हुआ है, उसका पासवर्ड यहाँ पर डालना है, और उसके बाद करना क्या है मैं बताता हूँ आपको। आपकी जो लाइट है वो ब्लिंक करना बंद कर चुकी है, यानी कि आपके फ़ोन से ये पेयर हो चुकी है। यहाँ पर गो हाई और वाइब का जो ऑप्शन है वो आ चुका है, क्लिक करना है इसके ऊपर, और ये पेयरिंग मोड अब पूरी तरीके से जो कनेक्शन है वो पेयर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट का बटन था वो आपको मतलब टैप कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको गो हाई और यहाँ पर डन लिखा जाएगा, इसके बाद ओके कर देना है। अब ये थोड़ा सा सिंक और होगा आपके फ़ोन और उसके साथ,
LED के साथ, तो यहाँ पर कुछ ऐसा प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपकी जो ऐप है उसका जो मेन्यू है वो कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ऐप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह दे रखे हैं। ऐप की बात कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑन ऑफ करने के लिए बटन है, सबसे पहले मतलब ऑन ऑफ ही कर सकते हो। सारे कलर यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको एक व्हील मिल जाता है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने सारे कलर को चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पर ग्रीन हो गया, अब जो भी कलर मुझे करना है बस व्हील को ऐसे करना है और हो जाएगा। वाइट करना है तो इसके अंदर प्योर वाइट आता है, दूसरी जो स्ट्रिप लाइट होते हैं उसके अंदर प्योर वाइट नहीं आता। बता दूं आपको, उसमें कुछ ना कुछ रेडिश ब्लूइश ग्रीनिश जो कलर है वो आता है, और यहाँ पर आपको प्योर वाइट कलर देखने को मिलता है। ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने के लिए ये बटन, या मतलब ऐसा कर सकते हो आप। इसके बाद यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे जो मोड्स हैं वो मिल जाते हैं, 35 से ज़्यादा आपको मोड्स मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर गुड नाइट है, रीडिंग मोड है, वर्किंग मोड है, और यहाँ पर नाइट लाइट है, और इसके बाद काफ़ी सारे हैं। मेरा जो फेवरेट है, सबसे फेवरेट है, वो दिवाली वाला है। इसके अंदर आपको एकदम ग्रेडियंट तरीके से जो कलर है वो चेंज होते नज़र आते हैं, और इसके साथ साथ आप अपने कस्टम भी बना सकते हो यहाँ से, और जो मर्जी कलर दे सकते हो, जिस मर्जी कलर के बाद दूसरा कलर दे सकते हो, फ्लैश मोड पे दे सकते हो, ब्रीदिंग मोड पे दे सकते हो, ये चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है। इसके बाद अगर मैं बैक जाऊँ तो यहाँ पर म्यूज़िक का ऑप्शन आता है, म्यूज़िक से कंट्रोल कर सकते हो आप अपनी लाइटिंग को, चाहे तो आप मतलब लोकल मोड पे भी ऐड कर सकते हो उसको, और या फिर ऐप मोड पर भी ऐड कर सकते हो। आपका जो कलर है वो म्यूज़िक के साथ चेंज होता नज़र आएगा आपको। इसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पर प्लान, शेड्यूल, लेफ्ट टाइम, यानी कि आप इसमें टाइमर वगैरह लगा सकते हो, और किस टाइम जलानी है आपको, कैसे जलानी है, सारा मोड आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी जैसे फीचर हैं वो आपको बता दूँ, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, स्मार्ट लाइट, जाइडू, ये सारे फीचर मिलते हैं। एक बार मैं आपको चला के दिखाता हूँ, फिर आप देखना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर गूगल असिस्टेंट से इसको पेयर कर रखा है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैं इसको चला सकता हूँ। हेलो गूगल, लाइट को ऑन कर दो। देखा, यहाँ पर आप अपनी मतलब इसको मतलब इसकी जो लाइटिंग है इसको भी सेट कर सकते हो, उसकी ब्राइटनेस को भी सेट कर सकते हो, कलर भी दे सकते हो। गूगल, स्मार्ट लाइट का कलर ब्लू कर दो। समझ गई, गो हाई वाइब का रंग बदल कर ब्लू कर रही हूँ। तो ये सारे फीचर आप अपने मतलब असिस्टेंट से भी मतलब करवा सकते हो, और एलेक्सा से भी इसी तरीके से मतलब पेयर कर सकते हो। आपको बस उसमें भी करना क्या होगा, आपको मतलब एलेक्सा वाली ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसको पेयर करना पड़ेगा, साइन इन वगैरह करना पड़ेगा, और डिवाइस को ऐड कर दोगे तो मतलब ये सारे जो काम है वो वहाँ से भी कर सकते हो। अब ये सारा सेटअप तो मैंने आपको दिखा दिया, अब चलते हैं कि कैसी लाइटिंग सेटअप आप इसे क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत आएगा कि जिनके घर में वाईफाई नहीं है वो कैसे इसको मतलब पेयर कर सकते हैं अपने फ़ोन के साथ, या जलेगी नहीं, जलेगी तो करना कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने फ़ोन को कनेक्ट किया था अपने वाईफाई राउटर से, बस वहाँ पर आप अपने दूसरे फ़ोन से उसका हॉटस्पॉट को ऑन कर देना, और अपने फ़ोन से वाईफाई को मतलब कनेक्ट कर लेना, और सारा प्रोसेस सेम है, आप उसको आराम से यूज़ कर पाओगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और है, यहाँ पर मेरे पास एक जो कनेक्टर है यानी कि जो कंट्रोलर, उसके अंदर दो डिवाइस ऐड करने का ऑप्शन है, यानी कि 10 मीटर वाली केबल ऐड हो जाती है इसके अंदर। लेकिन अगर आपको 15 मीटर चाहिए या फिर 20 मीटर चाहिए, और उसके अंदर भी आपको सेम कलर चलाने, क्योंकि इसके अंदर तो सेम कलर आप कर सकते हो, मतलब मैं ग्रीन कर सकता हूँ, जो मर्जी कलर है, जो भी मतलब होगा दोनों का सेम हो जाएगा, अलग अलग भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको इसके साथ भी ऐड करना है तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर जाना एडिट पर, और यहाँ पर क्रिएट ग्रुप का ऑप्शन आता है। जैसे कि यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है इस लाइट का, एक और लाइटिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पर आ जाएगा, और दोनों का आप ग्रुप सेट कर सकते हो, जो लाइटिंग दोनों में देनी है वो भी कर सकते हो, और अलग अलग भी कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग वीडियो तो देख लिया आपने, और इंस्टॉलेशन भी देख लिया, और अब बनेगा माहौल। दोस्तों बात कर लेते हैं, इसके अंदर कुछ फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि स्मार्ट स्ट्रिप लाइट है। सबसे पहले बात करूं तो ये वाटर रेजिस्टेंट है,
और हल्का फुल्का जैसे पानी चला जाता है बेड के नीचे लगाइए, आपने हल्का फुल्का पानी चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इवन अगर आप पानी में डुबो भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है, ये आपको समझना जरूरी है। इसके साथ अगर बात करूँ इसके अंदर मेमोरी, लास्ट मेमोरी का जो ऑप्शन है वो भी आता है, यानी कि जिस मोड पर आप बंद कर दोगे, समझ लो पिंक है इस मोड पर मैंने बंद कर दिया, फिर रिदम लाइट है या फिर ग्रेडियंट लाइट है इस पर मैंने बंद कर दिया, तो लास्ट जब भी आप चलाओगे, अगली बार जब भी चलाओगे तो इसी मोड पर ये स्टार्ट होगी। इसके साथ साथ इस पे आप म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो, मतलब म्यूज़िक के साथ भी ये रिदम कर जाती है, सिंक हो जाती है, तो वहाँ पर अगर आप अपने रूम में म्यूज़िक वगैरह सुनना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग ये चलने लगती है। इसके साथ अगर बात करूँ, ये हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, आप कंटिन्यूस काफ़ी दिनों तक इसको यूज़ कर सकते हो। कंपनी क्लेम करती है कि 7 दिन तक उन्होंने यूज़ कराया इसको, और मुझे लगता है कि 7 दिन तो बहुत कम यूज़ करेंगे, लेकिन फिर भी एक्सट्रीम कंडीशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ज़्यादा लाइट वगैरह नहीं खाती है, मतलब ज़्यादा लाइट वगैरह भी नहीं कंज्यूम करती, एक नॉर्मल जो बल्ब होता है उसके बराबर ये कंज्यूम करती है। इसके अलावा इसके अंदर आपको जैसे मैंने बताया गूगल असिस्टेंट वगैरह या फिर अलेक्सा, इनका सपोर्ट मिलता ही मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर सबसे अच्छी जो बात यह है कि इसके अंदर आपको वाइट कलर एकदम प्योर मिलता है, जबकि दूसरी जो बार होती हैं, एलईडी बार होती हैं, फिर एलईडी लाइट्स होती हैं जो मेरे पास पहले भी थी जिनको मैं यूज़ करता था, उसके अंदर होता क्या है, पूरा एकदम वाइट नहीं निकल के आता, या तो ब्लूश ग्रीस या पिंकिश जो कलर है वो निकल के आते हैं, क्योंकि उनके जो कलर होते हैं वो इतने ब्राइट अप नहीं होते और इतनी भी परफेक्ट तरीके से वो निकाल नहीं पाते, इसलिए वहाँ पर जो चेंजेस हैं लाइट में वो आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर प्योर वाइट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये 10 मीटर वाली जो स्ट्रिप लाइटिंग है, अगर उसकी कॉस्टिंग की बात करूँ तो वो कुछ है 3199 रुपये। वहीं अगर आप 5 मीटर वाली जो स्ट्रिप लाइट है उसको बाय करते हो अमेज़ॉन से तो शायद वो 2199 रुपये के आसपास मिलेगी। अब आपको हो सकता है ये लगे थोड़ी सी कॉस्टिंग ज़्यादा है, लेकिन बता दूँ क्वालिटी भी आपको ज़्यादा बढ़िया मिल रही है। 500-600 हज़ार वाली आपको पता है क्वालिटी कैसी होती है, वो टूट जाती है, ख़राब हो जाती है या फिर वाटर रेजिस्टेंट नहीं होती, इसके अंदर वो चीज़ नहीं है। एक एक एलईडी काफ़ी बढ़िया है और एक स्ट्रिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा एलईडी भी हैं, इसका भी फर्क पड़ता है। वैसे इन सभी प्रोडक्ट का मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जरूर दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो वीडियो वगैरह है, सेटअप है, जो भी है, जो भी पहले आने वाला है इस चैनल के ऊपर, वो इंस्टाग्राम पर आजकल मैं शेयर करता हूँ, तो उसको भी फॉलो कर लो, आपको सारी नोटिफिकेशन भी जल्दी मिल जाया करेंगी। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूंगा आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।